हेलो व्यूअर्स, वेलकम है आपको मेरी इस नई वीडियो में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अम्मार मोबाइल मॉल पे। जैसा कि आपने पिछली वीडियो के अंदर हमारे देखा कि अम्मार आइकॉन टावर से मुंसलिक हमने आपको रेजिडेंशियल से मुंसलिक जो है मालूमात फराम की थी, आज हम रेहान भाई से मिलेंगे और रेहान भाई हमें कमर्शियल से मुंसलिक जो है मालूमात फराम करेंगे। तो चलें रेहान भाई के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं रेहान भाई? माशाल्लाह, पिछली वीडियो आपने जो बनाई काफी पसंद थी और बिल्कुल। तो मुझे आप किस तरह स्टार्ट लेना चाहेंगे? सर मैं चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास कमर्शियल का बहुत अच्छा आप लोगों के लिए पैकेज है और हम यहाँ पर जो दे रहे हैं कराची का, ऐसा कहना चाहूँगा कि गालिबन सबसे बड़ा मोबाइल मॉल बनने जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा अभी कराची में मोबाइल मॉल नहीं है जो कि एक छत के नीचे आपको इतनी सारी दुकानें एक ही जगह पर मोबाइल्स की मिलेंगी, जहां पर तमाम एक्सेसरीज की शॉप्स होंगी, मेंटेनेंस वाले होंगे यहां पर, और आपको सब कुछ एक ही जगह पर एक ही बिल्डिंग के एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। और अभी जो सूरत हाल यहाँ की है, जहाँ की अभी मैं मौजूद हूँ अम्मार आइकॉन टावर पर, और अलबुर्राक मार्केटिंग ने जो कुछ सोच समझ के इस जगह का इंतखाब किया है कि यहाँ की सराउंडिंग एरिया के अंदर कोई इतना बड़ा मोबाइल मॉल कोई भी नहीं है। बहुत छोटी छोटी एसबी के ऊपर जो है छोटे छोटे मोबाइल मॉल बने हुए हैं, या फिर सखी हसन पे सरीना जाना पड़ता है यहाँ वालों को, जो कि स्नैचिंग के डर की वजह से यहाँ वाले वहाँ तक जाएँ और जाकर वापसी आएँ तो उनको एक ही जहन पर रहता है सवाल कि इतना दूर से हम यहाँ तक आएंगे तो कहीं स्नैचिंग ना हो जाए। तो इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए हम लोगों ने पहले एक सर्वे किया है, सर्वे टीम हमारी गई है, उस सर्वे के मुताबिक हमें पता चला है कि यहाँ पर 35 से 40 लाख की आबादी है इस पूरी सराउंडिंग में, जो कि 4K से अगर आप देखें तो बैक साइड पे सरजानी लगता है, सामने न्यू कराची लगता है, इस साइड पे एहसानाबाद और फिर गुलशन मेमार और सुपर हाईवे तक हम ये कवर करते हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ से एहसानाबाद की तरफ से भी एक रोड जा रहा है जो कि नॉर्दर्न बाईपास की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी आबादियाँ हैं। तो इन सारी आबादियों को देखते हुए हमने एक बीच में ये एरिया देखा है कि जहाँ पर इतना बड़ा ह्यूज मोबाइल मॉल बनने जा रहा है, जो कि इतने बड़े चौड़े रोड के ऊपर है, जहाँ के सिक्योरिटी के कोई इशूज़ नहीं होंगे इन फ्यूचर, क्योंकि 4K पे भी आपने देखा होगा गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी काम हो गया है और अभी चल भी रहा है, बहुत अच्छी रोड डल गई हैं। जिस तरीके से आप सरीना वाले रोड पे फ्रिक्वेंटली जा आ सकते हैं, यहाँ पर भी जा आ सकते हैं, पूरा फुल आबादी वाला एरिया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके इस एरिया के लोग हों या इस एरिया से बाहर हों, इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छी शॉप्स हैं, अपना कारोबार भी करें। जैसे कि मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो में बताया था कि यहीं पर ही हम लोगों ने रिहाइश के लिए अपार्टमेंट्स का भी काम किया हुआ है और यहीं जो है शॉप्स का कमर्शियल का भी इंतज़ाम किया है, तो जो अगर उनके लिए भी अच्छा है जो कि नीचे शॉप बुक करा रहे हैं और ऊपर अपनी रिहाइश बुक करा रहे हैं, तो उन्हें कहीं जाने का है नहीं है, टाइम सेविंग हो जाएगी उन लोगों की। तो जहां रिहाइश वहीं पर ही कारोबार, ये हमारा स्लोगन है अलबुर्राक मार्केटिंग का, इसी स्लोगन के ऊपर चल रहे हैं। जैसा कि आपने बताया बहुत बड़ा मॉल है और कराची का सबसे बड़ा मॉल होगा ये तकरीबन, और लग भी रहा है, तो यहाँ मैक्सिमम कितनी दुकानें होंगी? सोहेल भाई, जैसा कि यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज की शॉप्स हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड साइज चलते हैं यहाँ पर 6x6 का, जैसे कि फ्रंट जो है उसका काउंटर का 6 फिट होगा और बैक यानी कि गहराई जो है वो 6 फिट की होगी, ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है। और गालिबन यहाँ पर दुकानें 650 पर मुश्तमिल है, 650 तीन पोर्शंस में यहाँ पर है, लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड और मेज़नाइन, ये तीन फ्लोर्स में है और इंटरकनेक्टेड हैं ये तीनों फ्लोर्स आपस में ना। तो यहाँ पर फ्रंट पे जैसे कि आपको अभी आप दिखा सके तो फ्रंट पे हमारे बड़े बड़े शोरूम्स हैं, 13x14, 13x24, 13x13 और 13x12, इस तरीके से हमारे शोरूम्स जो है फ्रंट पर हैं। उसके बाद बैक पर हमारे डिफरेंट साइजेस की शॉप्स हैं, फिर उसके और बैक पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर और भी छोटी दुकान है, जो कि जैसे कि मेंटेनेंस के लिए लोग बैठते हैं कि एक छोटी सी बस शॉप मिल जाए 4x6 की, उसमें भी साइज़ बहुत अच्छा दिया हुआ है, डेप का 6 है सिर्फ, फ्रंट उसका 4 है। तो ये तीन साइजेस, 4 साइजेस हमारे मोस्ट प्रॉब्ली चल रहे हैं अभी। फिल भाई, जैसा कि अभी आपको मैंने बाहर से सारा एलिवेशन भी दिखा दिया, बाहर से हमारा कमर्शियल का बता दिया, तो अब आपको मज़ा जब आएगा और हमारे व्यूवर्स को भी जब मज़ा आएगा, जब फिजिकली आप हमारे पास आएंगे या फिर मैं आपको वीडियो पे थोड़ा बहुत अंदर आइए दिखाता हुआ चलूँ। जी सोहेल भाई, देखिए जैसा अभी हम लोग पार्किंग एरिया पे अपने खड़े हुए थे,
और मैं आपसे वहाँ बाहर मुखातिब था और ये मॉडल पे अभी आ गए हैं। हमने हिस्सा देखा वो ये पार्किंग में जी। तो अच्छा अब ये क्या है मुझे बताएं। ये देखें जैसे कि इसमें लोअर ग्राउंड है, सीढ़ियों से आप नीचे जाएंगे और इसी तरीके से बराबर में सीढ़ियाँ दी हैं, इस पर अपर ग्राउंड पे आएंगे और फिर सेंटर में जाएंगे तो सेंटर में जो स्टेयर्स दी हुई हैं, सेंटर में जो स्टेयर्स दी हैं वो हमारे मेज़नाइन को अटैच होती है, मेज़नाइन पे जाती हैं। ये जी जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ किया था कि हमारे फ्रंट पे जितने भी हैं ये शोरूम्स हैं, तो लंबाई में जैसा आप ये देख रहे हैं ये हमारे शोरूम्स हैं। और बैक पर जो मैंने अभी आपको ब्रीफ किया कि 6x6 की शॉप्स हैं, 6x7 की शॉप हैं, इस तरीके से डिफरेंट साइज़ की हमारे पास शॉप हैं। और गुड लुकिंग यार, बहुत गुड लुकिंग। और इसमें जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ जी, शॉप टू शॉप जो है वो पब्लिक के चलने के लिए जो लॉबी दी है वो भी 8 फिट और 9 फिट और 10 फिट ये इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी लॉबीज दी हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह फ्रंट भी बहुत गुड लुक, गुड लुकिंग है यार। जब ये तैयार होगा तो अल्लाह की तारीफ होगी। माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर जिस तरह मैं वीडियो बनाने के दौरान में देख रहा हूँ आवाम आ रही जा रही है, तो क्या लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है जब तक आवाम यहाँ रब्ता करें तब तक सब बुकिंग हो चुका हो? नहीं सर, फर्स्ट कम फर्स्ट है और साइजेस भी उसी बिहाफ पर ही हमारे पास अवेलेबल होंगे कि जैसा जैसा बुकिंग होती जा रही है, इन्वेंट्री हमारे पास कम होती जा रही है, तो हमारे यूएन नंबर पर कॉल करके आप रابطہ करके और लोकेशन हमसे मालूम करके आप जितना जल्दी हो सके हमारे अलबुर्राक के हेड ऑफिस या हमारे इस साइड ऑफिस पे चक्कर लगा सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं अपने जितने भी कारोबारी हजरात हैं उनको भी और जितने जैसे कि कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि किराया वगैरह उसको एक सपोर्ट मिल जाए, तो इस हवाले से भी उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास जो है अगर आप एक बार चक्कर ज़रूर लगाइएगा लाजमी, क्योंकि जो चीज़ वीडियो में दिखे वो एक्चुअल नहीं होती, फिर भी आप लोगों को अपनी आंखों पर ज़्यादा भरोसा होगा और हमें भी आपकी आंखों पर भरोसा है कि आप जो फैसला करेंगे आके देखने के बाद, तो मैं ये समझता हूँ कि इस लोकेशन पर इतनी सस्ती दुकानें और इस एरिया में तो एक जगह पर ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, सही है, जो कि यहाँ का मार्केट रेट चल रहा है। और मैं समझता हूँ अगर आप एक दफ़ा आएंगे तो लाजमी यहाँ पर दुकानें बुक कराएंगे इंशाल्लाह। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी और कारोबार का एक नया समझ ले आपको हम प्लेटफॉर्म यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं ताजिर बिरादरी के लिए भी, और यहाँ पर बहुत सारे अब तक जो है उन लोगों ने भी बुकिंग कराई है जो कि प्रीवियस मोबाइल मॉल में ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही यहाँ पर अपनी ब्रांचें खोलने का इशारा दिया है हमें। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी हमारे यहाँ पर आए हैं अब तक और वो सब एंड यूज़र्स आए हैं, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास जिन्होंने अपनी ब्रांच खोलने का यहाँ इरादा जाहिर किया और यहाँ आते ही उन्होंने देखने के बाद बुकिंग भी कराई और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर हम अपनी एक और फ्रेंचाइज यहाँ पर भी खोल दें इस एरिया में, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सरीना भी बहुत दूर पड़ता है और सदर मार्केट और ज़्यादा दूर है, तो इस पूरे एरिया की सराउंडिंग को कैप्चर करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा इरादा जाहिर किया कि हम इस एरिया वालों को अपनी तरह से फैसिलिटेट कर देंगे और हमें भी एक अच्छा बेहतरीन मुनाफा बख्श कारोबार यहाँ से हासिल होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ख़ुद से आइए, एक दफ़ा आकर देखिए और लाजमी अपना कारोबार से पैसा कमाने का ज़रिया बनाइए। जी व्यूअर्स, जैसा कि आपने रिहान भाई से मालूमात आपको आप तक मतलब फराम की गई और रिहान भाई ने ए टू जेड कमर्शियल से कंसल्ट्स आपको जो मालूमात फराम की है मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। एक बार अगर आप इस जो है जगह का विज़िट करेंगे तो मेरा जहाँ तक ख्याल है 110% आपका जहन बन जाएगा, क्योंकि लोकेशन के एतबार से वेल एंड गुड है। और देखिए कारोबारी हजरात जितने भी हुआ करते हैं वो दो ही चीज़ों को नोट किया करते हैं, एक लोकेशन दूसरी मार्केटिंग। मार्केटिंग और लोकेशन दोनों बहुत बेहतर हैं, पार्किंग की बहुत ज़बरदस्त सहूलत मौजूद है, क्योंकि पार्किंग का इशू ख़ास तौर पर मोबाइल मॉल्स के अंदर या मोबाइल मार्केटों के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर
पार्किंग का इशू बहुत बड़ा इशू होता है और जिस पर अमूमन झगड़े हो रहे होते हैं। यहाँ आपको इतनी बड़ी पार्किंग दी जा रही है कि दो तीन प्रोग्राम अटेंड कर लें आप, और प्रोग्रामों में आपको पता है कितनी गाड़ियाँ हुआ करती हैं। तो यहाँ जो आपकी मार्केटिंग है, जिस बिजनेस से कंसल्ट्स यहाँ पर आप शॉप्स ले रहे हैं या फ्रेंचाइज बना रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादातर लोग बाइकों पर आते हैं, मिडिल तबका ज़्यादातर बाइकों पर यानी कि रब्ता क्या करता है, और उनके लिए पार्किंग का होना बहुत ज़रूरी। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि एक बार आप यहाँ का विज़िट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटे के निशान को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।